नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी आगरा यूनिवर्सिटी के सभी छात्राओं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, जिसमें लिखा है सम सेमेस्टर की परीक्षा 4 से विषम का नहीं मिला परिणाम। NIP के तहत जून में संपन्न हुई थी परीक्षा, छात्र कर रहे हैं इंतजार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर और परास्त की परीक्षा 4 अक्टूबर से शुरू होंगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने विद्यार्थियों को सम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं मिला है। BA, BSc व BCom के स्नातक प्रथम और तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अभी भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विषम सेमेस्टर की परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी और जून मध्य में ही समाप्त हो गई थी। स्नातक व परिणातक अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू कराई गई थी। BEd की काउंसिलिंग की वजह से उनका परिणाम पहले जारी कर दिया गया। सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम अभी तक लटके हैं। विश्वविद्यालय ने अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजों की ओर से आंतरिक परीक्षाओं के अंक उपलब्ध ना किए जाने के से परिणाम जारी करने में देरी हो रही है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे छात्र छात्राएं आज जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम का, तो उनका जो रिजल्ट है वो आपके साफ साफ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो देखो साफ साफ लिखा है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजों की ओर से आंतरिक परीक्षा के अंक उपलब्ध ना कराए जाने से परिणाम जारी करने में देरी हो रही है। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट देरी होने की मेन कारण है आपके जो परीक्षाओं के अंक हैं, आंतरिक परीक्षाओं के अंक, इंटरनल परीक्षाओं के जो अंक हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे गए हैं। आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे गए हैं, इसलिए आपका जो सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पा रहा है। 4 दिन बाद परीक्षा प्रवेश पत्र का बाकायदा पता नहीं, ठीक है, लेकिन जो 4 तारीख से आपकी जो परीक्षा है स्टार्ट, मतलब आज 1 तारीख हो गई हमारी, 3 दिन है, 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन रह चुके हैं, रह गए हैं, लेकिन अभी भी आपके जो सेंटर है उसका भी पता नहीं चल रहा है। तो वेट कीजिए, आपका जो रिजल्ट है, सेंटर लिस्ट एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, जैसे वही अपडेट होगी वो मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।